हे वेलकम बैक गाइस, और आज मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ एक ब्रांड न्यू थीम जो कि कलर वेस्ट 6 से इंस्पायर्ड है पूरी तरह। और इसके ऊपर मैं दो वीडियो पहले ही बना चुका हूँ जो थी कलर वेस्ट 6 की लाइट थीम्स, बट दोस्तों यहाँ पे लेके आ चुके हैं आपके लिए कलर वेस्ट 6 से रिलेटेड डार्क थीम। तो बिल्कुल आपके फोन को ब्लैक कर देगी और साथ साथ आपको कलर वेस्ट 6 का फुल एंड फाइनल लुक भी प्रोवाइड कराएगी। सो वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि कौन सी थीम है। सो फिर विदाउट एनी फर्दर ड्यूस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो क्या कर रहे हो यार, गो एंड हिट दैट सब्सक्राइब आइकॉन एंड क्लिक द बेल नेक्स्ट टू इट एंड क्लिक ऑन ऑल, सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन इन द वीडियो। मतलब ये है कि भाई सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई कि इस थीम के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है। मैं आपको इस वीडियो में हर एक इस थीम के हर एक फीचर को एक्सप्लेन करूंगा, आपको ये बताऊंगा कि कलर वेस्ट 6 का डार्क मोड कैसे है, और एक कुछ कन्फर्मेशन न्यूज भी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो हम बात कर लेते हैं इस थीम के बारे में। तो डायरेक्टली हमें थीम स्टोर के अंदर चले जाना होगा, और यहाँ पर जाने के बाद आपको जाना होगा स्माइली आइकन पर और आपको थीम्स में क्लिक करना होगा। जब आप थीम्स पे चले जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको थीम दिखेगी जिसका नाम है कलर्स MI10 5। तो इस थीम को जाके आपको डाउनलोड कर लेना है बिल्कुल ही और अच्छे तरीके से, और यहाँ पे आपको मैं इसका लिंक प्रोवाइड करने की कोई पूरी कोशिश करूँगा, अगर कर पाया तो जरूर से मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो थीम है वो डाउनलोड हो चुकी है, और आप देख सकते हैं इसके जो आइकन है वो काफ़ी भद्दे लगते हैं, तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई इनकी ग्रिड, ना ग्रिड साइज पसंद आया ना मेरे को आइकन पसंद आया, बिकॉज उन्होंने डिफॉल्ट को रीशेप करके रीसाइज कर दिया है, तो जो कि भद्दा लगता है बिल्कुल। बट भाई इस ऑथर के पास जो बाकी अच्छे इन्होंने काम करे हैं ना, तो इन चीज़ के लिए इन पर फीचर नहीं होगा, मतलब टाइम नहीं होगा, तो इन्होंने आइकन वही के वही छोड़ दिए इन्होंने सबसे पहले। तो अब यहाँ पर अगर आप डबल टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टार स्प्रिंकल करते देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल एनिमेशन लगती है फॉर द वॉलपेपर। इन वॉलपेपर भी बहुत ही यहाँ पे कमाल का आपको देखने को मिल जाता है, पर्सनली आई लाइक इट अलॉट। बट यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन देखने को मिलता है डबल टैप टू चेंज वॉलपेपर का, बट अभी तक वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आई थिंक कि बाद में जो है ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, मीन्स कि मतलब ये थीम में अपडेट आएगा उसके बाद। तो यहाँ पे ये आपको होम स्क्रीन का यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और मैंने बोला था भाई ये डार्क थीम है, तो यहाँ पे हम डल जाते हैं सेटिंग्स मेन्यू के अंदर। आप देख सकते हैं कि सेटिंग मेन्यू बिल्कुल ही कम्प्लीटली ब्लैक आपको देखने को मिलता है, डार्क आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इस चीज़ से मैं आपको बता सकता हूँ भाई ये डार्क थीम है, हमने कोई डार्क मोड इनेबल नहीं कर रखा है, फिर भी ये डार्क देखने को मिलता है। मैं खुद दिखा दूँ डिस्प्ले के अंदर, जो डार्क मोड है वो टर्न ऑफ है, फिर भी आपको ये डार्क देखने को मिल रहा है बिकॉज ये जो है एक डार्क थीम है। उसके बाद यहाँ पे डायलर आइकन, डायलर भी इसमें आपको डार्क देखने को मिलता है, मैसेजिंग भी आपको इसमें डार्क देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें आपको इसमें डार्क देखने को मिल जाती हैं, बाकी जितनी सिस्टम वाइड चीज़ें हैं यहाँ पे गैलरी वाइड है, बट जो मेन चीज़ होती है ना यार वो यहाँ पे डार्क आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है एक थीम के अंदर वो होता है भाई इसका लॉक स्क्रीन, और इसमें लॉक स्क्रीन भी काफ़ी कूल और काफ़ी कमाल की आपको देखने को मिल जाती है। मैं आपको लॉक स्क्रीन एक बार शोकेस कर देता हूँ। यहाँ पे हम लॉक स्क्रीन पे आ गए हैं और देख सकते हैं एनिमेशन के साथ बहुत ही कमाल तरीके से लॉक स्क्रीन है ये आती है, और बहुत ही ज़्यादा कूल यहाँ पे देखने में आपको मिलती है। तो भैया ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है कि उन्होंने लॉक स्क्रीन को भी एनिमेट यहाँ पे कर दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, आप यहाँ पे मतलब एक बार फ़ोन अनलॉक करके लॉक करेंगे और यहाँ पे दोबारा अनलॉक करेंगे तो देख सकते हैं भाई जो एनिमेशन है लॉक आने क्लॉक आने की वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की लगती है देखने में। और यहाँ से आप स्वाइप करके फ़ोन और कैमरे को भी ओपन कर सकते हैं नीचे से बॉटम राइट एंड बॉटम लेफ्ट से स्वाइप करके। उसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ से ऊपर स्वाइप करेंगे तो आपका जो फ़ोन है वो अनलॉक हो जाएगा, ये अनलॉक हुआ बिकॉज ऑफ माई फेस अनलॉक हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। तो यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब कलर वेस्ट से रिलेटेड क्या है भाई इसमें, मतलब बाकी सारी चीज़ें आप सोच रहे होंगे भाई डार्क थीम है तो बस अब क्या, अब क्यों बचा, तो भाई अब बचा है स्टेटस बार। बिकॉज आपको अगर आपको मैं बता दूं कि अगर आपको इस थीम का लाइट वर्जन चाहिए, मतलब कि जैसे वाइट कलर में चाहिए, मतलब डार्क मोड नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, दो वीडियोस का आप जाके दोनों वीडियोस देख सकते हैं, दोनों में आपको लाइट वर्जन दिखता है, पर वो थीम्स दोनों अलग अलग हैं और उसके वर्जन भी अलग अलग हैं, बट है वो लाइट थीम ही। तो अब ये जो वर्जन है वो डार्क थीम है। अब बताता हूँ भाई आपको कैसे जो लाइट थीम है उसका भी आपको मैंने ले दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अब बताता हूँ कि इसमें आपको क्या जो है खास देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो अगर आप नीचे स्वाइप करेंगे स्टेटस बार से तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका डार्क थीम, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही कमाल का लगता है भाई डार्क थीम यहाँ पे। तो यहाँ से आप मतलब कह सकते हैं कि भाई कलर वाइज 6 से पूरी तरह इंस्पायर्ड है। नीचे एक बार स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी इसकी पूरी डार्क थीम। एज यू कैन सी यहाँ पे जो कलर वाइज 6 की जो आइकन्स होते हैं जो स्टेटस बार लुक एज कम्बाइंड विद द डार्क थीम। तो मतलब ये एक न्यूज़ के बारे में मैंने बात करी थी, वो न्यूज़ ये है जिनके पास रियलमी की डिवाइस है या फिर ओप्पो की डिवाइस है जिनमें कलर वाइज 6 रन कर रहा है, तो उन लोगों को खुश मतलब रियलमी जो है ऑफिशियली
डार्क मोड दे देगा, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे उन्होंने कंफर्म किया है कि डार्क मोड आने वाला है, और जब डार्क मोड आएगा ना तो बिल्कुल डिटो सेम ऐसा ही दिखेगा स्टेटस बार उनका। तो यहाँ पे आपको मैं पहले से ये फीचर प्रोवाइड करा रहा हूँ कि भाई आप डार्क मोड जाके आप इसे मतलब यूज़ कर सकते हैं और इंजॉयमेंट कर सकते हैं। एज यू कैन सी ये कुछ आपको इस टाइप का देखने को मिल जाता है। अभी जब स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा और अब एडिट भी इसको यहीं से कर सकते हैं इन द डार्क थीम। तो ये कुछ आपको चीज़ देखने को मिल जाती है इस थीम के अंदर। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जो थीम पसंद आई हो, तो वीडियो को देख दीजिए एक बड़ा सा लाइक। और अगर आपको आइकन्स पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप आइकन्स को चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे थीम्स में ऐप में जाके, और आपको जाना होगा यहाँ पे कस्टमाइज थीम के अंदर, और यहाँ पे आप आइकन्स पे जाके इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो भाई अगर ये चेंज हो जाएंगे तो आपका जो आइकन्स का काम है वो भी यहाँ पे हो जाएगा। एज यू कैन सी आइकन्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ये थीम भी पसंद आई हो तो वीडियो को दीजिए एक बड़ा सा लाइक। और अगर आप इस चैनल पे हैं नए तो प्लीज़ डू दैट सब्सक्राइबिंग थिंग, तो यार सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और क्लिक कर दीजिए पर्सनलाइज्ड ऑल पे, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मेरी मिल जाए। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है यार, उसके बिना आप मेरी वीडियोस मिस कर जाएंगे, और बेल आइकन के बिना आप नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो सब्सक्राइब करने का फायदा नहीं होगा। तो यार सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन, यार सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। कुछ ही फॉलो बचे, 8,000 होने वाले हैं यार, जल्द से जल्द करा दो, इट्स अ बिग रिक्वेस्ट। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि 8,000 होने वाले हैं, बहुत जल्दी होने वाले हैं, करा दो यार, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा यार, प्लीज़ इट्स अ बिग रिक्वेस्ट। और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के आनंद उठा सके इस थीम का, और लाइक भी कर देना अगर आपको पसंद आई हो तो। और यार अगर आप मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपके पास कोई इशू आ रहा है इस थीम से रिलेटेड, तो आप जाइए इस टेलीग्राम एप्लीकेशन के अंदर और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको इसमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आप मतलब आपको मैं यहाँ पे कभी रिप्लाई नहीं करता तो भाई इंस्टा पे आपको मैं पक्का रिप्लाई करूँगा, प्लीज़ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे नई वाली वीडियो में, टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे एंड गुड बाय।